पाकिस्तान ने भारत का गरूर खाक में मिला दिया। मौका मौका की रट लगाने वालों को कोई मौका ना मिला। शाहीन चंद लम्हात पहले पाकिस्तान अगर जीता है, एक सेकंड, 10 विकेटों से पाकिस्तान जीता है। ये घास कहाँ ले, ये मिट्टी, ये आ गया है। और पाकिस्तानी और इंडियन जो शायकीन हैं उनके जज्बात आसमानों पर है। हमारे साथ और भी पाकिस्तानी सपोर्टर्स इधर है। चलो यार, दुआएं चल रही है इधर कि पाकिस्तान आज जीत जाए। क्या कहना चाह रही है? नमस्कार दोस्तों, यू न्यूज़ में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, देख रहे हो बाप से जीतने के बाद बच्चे कैसे पागल हो चुके हैं, पागल की तरह बिहेव कर रहे हैं। आप इस वीडियो में देख पाओगे पाकिस्तानी मीडिया जब इंडिया से जीत जाता है तो कितना ही पागलों की तरह व्यवहार करने लग जाता है दोस्तों। और साथ ही साथ पाकिस्तानियों का यह भी कहना है कि इंडिया जो कहता था ना मौका मौका, तो पाकिस्तान ने इंडिया वालों को तो मौका ही नहीं दिया। दो पहले ही ओवर में दोनों को विकेट लेकर पूरा खेल ख़त्म कर दिया। इस तरीके का कुछ पाकिस्तानियों का कहना है और पाकिस्तान की पागल रिएक्शन है। तो इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखिएगा, यह बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। हम आपको मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। धन्यवाद। पाकिस्तान ने भारत का गरूर खाक में मिला दिया। मौका मौका की रट लगाने वालों को कोई मौका ना मिला। शाहीनों ने वर्ल्ड टी20 का बड़ा टाकरा जीत लिया। भारत को पहली बार टी20 में 10 विकेटों से शिकस्त। 152 रन का हदफ 18वें ओवर में बगैर किसी नुकसान के पूरा करने। Finger for you people. Wow! We are unstoppable. We are unpredictable. Don't underestimate us. Wow! फैसलाबाद के लोग तो मजाक ही करते हैं, लेकिन आज उन्होंने साथ में जो है वो डांस भी खूब किया और आतिशबाजी का भी जो है वो मुजाहरा किया गया। और बकायदा तौर पर फैसलाबाद में एक बड़ा ऐलान किया गया बाबर आजम की जानिब से, जो कि एक अपार्टमेंट दिया जाएगा जिसकी कीमत 80 लाख होगी। उसका ऐलान किया गया कि बाबर आजम को जो है वो जैसे ही वर्ल्ड कप खेल के वापस आएंगे तो उनको जो है ये अपार्टमेंट दिया जाएगा और बकायदा तौर पर चेक भी दिया जाएगा। मेरे साथ यहाँ पे शरीम जुद उनसे बात करें, क्या कहेंगे? बड़े एक्साइटेड थे, आपने इतने भारे वजन में भी जो है डांस किया, क्या कहेंगे? देखिए जी, आज तो 12 वजन इंडिया पर है, हमारे पे तो था ही नहीं अल्हम्दुलिल्लाह। और सेकंडली, ये इतना आज की जो रात है माशाल्लाह, जो 12 रबीउल अव्वल था, दुआएं थी लोगों के साथ। और सबसे बड़ी बात ये थी कि जिस तरह इंडिया कह रहा था जी ये हो जाएगा वो हो जाएगा, तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की जान ने हमें बहुत अच्छी और बहुत खुशी वाली जीत दी। और इसमें आप, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि हमने अपनी कंपनी की तरफ से फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है फैसलाबाद में कि इतना बड़ा हमने एक इनाम अनाउंस किया है। बाबा बड़ा ऐलान अनाउंस किया है, मौसीकी भी करने वाले हैं। क्या कुछ अपनी शायरी में कुछ बताएंगे, क्या मैसेज देना चाह रहे हैं इंडिया को और इस वक्त पाकिस्तान की टीम? पाकिस्तान की तरफ से इंडिया के लिए एक खूबसूरत सा पैगाम है हमारी तरफ से कि हम हैं पाकिस्तानी, हम तो जीतेंगे, हाँ जीतेंगे। हम हैं पाकिस्तानी, हम तो जीतेंगे, हाँ जीतेंगे। हम हैं पाकिस्तानी, हम तो जीतेंगे, हाँ जीतेंगे। अच्छा, हरभजन सिंह को मैसेज देना चाहते हैं?
पहुंच गया होना।